बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस साल शादियों का माहौल नजर आ रहा है। इन दिनों कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी को लेकर जबरदस्त बस बना हुआ है। वहीं रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को भी फैंस शादी के बंधन में बंधा हुआ देखना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रणवीर आर्या इस साल के अंत तक सात फेरे ले लेंगे, लेकिन इसी हाल ही की आई रिपोर्ट से फैंस का दिल भी टूट गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कपल इस साल नहीं बल्कि अगले साल 2022 में शादी करेगा। तो इस साल आलिया के फैंस काफी ज्यादा उदास हो गए हैं ये खबर सुनकर कि इस बार वो कपूर खानदान की बहू नहीं बनेंगी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर कपूर और आलिया भट्ट इस साल ना तो सगाई करेंगे और ना ही शादी। दरअसल कपल ने अपनी शादी की ग्रैंड प्लानिंग की है और वो किसी चीज को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। कपल के करीबी सूत्र ने बताया कि आलिया और रणवीर की अपनी शादी की भव्य योजनाएं हैं और वे इसमें जल्दबाजी नहीं करने जा रहे हैं। वे लंबे समय से अपने इस खास दिन को लेकर ग्रैंड प्लानिंग कर रहे हैं और इसमें शायद अभी और वक्त लगेगा। तो हाल के रिपोर्टों में दावा किया गया है कि आलिया और रणवीर दोनों ने नवंबर और दिसंबर में अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के शेड्यूल को फिक्स किया है, जिसके कारण वो इस साल दिसंबर में तो शादी नहीं ही करेंगे। हाल ही में आलिया रणवीर जोधपुर पहुंचे थे, ऐसे में खबरें जोरों पर थी कि कपल यहां वेडिंग डेस्टिनेशन की तलाश के लिए आए थे, लेकिन माना जा रहा है कि रणवीर आलिया जोधपुर में ही सात फेरे ले सकते हैं। बता दें कि रणवीर की मम्मी नीतू सिंह भी चाहती हैं कि आलिया जल्द से जल्द उनकी बहू बने। वहीं आलिया की मां सोनी राजदान ने हाल ही में इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें भी नहीं पता कि वो शादी कब होगी और वो तो खुद इस खबर का इंतजार कर रही हैं। बता दें कि सितंबर में आलिया अपनी होने वाली सास नीतू कपूर के साथ नए घर की मरम्मत का काम देखने भी पहुंची थी। तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइफ से। सुरभि की रिपोर्ट।